हेलो गाइस, क्वेश्चन है सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें हमें जो जो स्टेप होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहली बात तो हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और जो CO2 है उसे बाहर छोड़ते हैं, यही तो करते हैं ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो CO2 वाली एयर है उसे हम बाहर छोड़ते हैं और एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं। तो डी हमारा सबसे पहले आएगा। डी सबसे पहले एक ही जगह पर है, यानी कि ये तीनों गलत हो गए नीचे के। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में जो एल्वियोलाई होती है वहां पर गैस का होता है एक्सचेंज। उसके बाद देखिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है वहां पर O2 और CO2 का होता है एक्सचेंज। तो ये आएगा सेकेंड नंबर पे, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब O2 जो एक्सचेंज हुई उसको ब्लड के थ्रू टिश्यू की तरफ ले जाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये आएगा थर्ड नंबर पे, देखिए है। उसके बाद में जब टिश्यू के पास में ब्लड पहुंचेगा एयर लेके, तो वहां पर होगा एक्सचेंज फिर से O2 का और CO2 का। तो उसके बाद में आएगा चौथे नंबर पर बी ऑप्शन, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर लास्ट में आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाई सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्ट्स रिलीज एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। सबसे बाद में O2 जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी सेल्स के द्वारा और CO2 का रिलीजमेंट होता है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट बन गया, सही है ना। थैंक यू।